and the examinations were too good also, and our preparation was also good. We are very thankful to Mr. Saddam sir, and the discipline of this institute was too good. We were impressed of this institute. Yes. तो वेली के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी स्काई क्लासेस के हवाले से? हाँ, उनके लिए तो यही मैसेज है कि अगर वो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहेंगे दैट विल बी गुड फॉर देम। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पता चलता है कि हमारी लेवल कहाँ है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो एक और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रुमान गवर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी दूर दराज इलाके से आप श्रीनगर के इस जो है स्कॉलरशिप में हिस्सा लेने के लिए आए, इस एग्ज़ाम आपने जो है यहाँ पे कंडक्ट हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, तो अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल था कैसा माहौल था? बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब सिर को ऐसे भी नहीं करने देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था और लगता था कि कॉम्पिटेटिव है क्योंकि बहुत सारे हर एक इलाके से आए थे। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था और मतलब इट वाज नेक्स्ट लेवल। तो जानना चाहेंगे आप जो अंदर माहौल आपने देखा तो आपके हिसाब से किस तरह का कंपटीशन रहेगा इस एग्ज़ाम में? बहुत टफ, क्लोज होगा, बहुत बहुत टफ होगा। और अपनी तरफ से आपने जो है कितना एफर्ट दिया? मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिए, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने दिया। टॉप 100 में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? माय नेम इज़ हनारा फारूक। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मतलब ऐसा लगता है कि इतनी हिडन जो टैलेंट है छुपा है कि वेस्ट इंडिया में। जब मैं यहाँ पर आई, अंदर गई, बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी है अंदर, और मतलब हर किसी जो बच्चे को जो यहाँ पर इन्होंने स्काई वालों ने मतलब मौका दिया अपना जो टैलेंट है वो दिखाने में, और इससे ये भी समझ आता है कि कौन कितना पानी के नीचे और कितना पानी के ऊपर है। बहुत अच्छा।